Hello and welcome back to the Electronic Media Lecture Series. इस वीडियो में हम बात करेंगे रीच ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन. देखिए, जब शुरुआत हुई थी रेडियो और टेलीविजन की तो उनका रीच कैसे हुआ था. ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन आर नाउ पार्ट ऑफ द प्रसार भारती. ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो है वो प्रसार भारती के पार्ट है. द ऑटोनमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1919, ठीक है, 1919 में, मतलब 1990 में, ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के वजह से ये जो ऑटोनोमस बॉडी यानी ऑटोनोमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है इंडिया की प्रसार भारती बनाई गई है. और प्रसार भारती में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों इंक्लूडेड है. द प्रसार भारती बोर्ड took charge of the administration of All India Radio and Doordarshan with effect from 23rd November 1997. ठीक है, तो प्रसार भारती बोर्ड ने 23rd नवंबर से एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज ले लिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के. ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंटली हैज मोर देन 200 रेडियो स्टेशंस इंक्लूडिंग 183 फुल फ्लेज रेडियो स्टेशंस एंड 9 रिले सेंटर्स एंड 3 एक्सक्लूसिव विविध भारती कमर्शियल सेंटर्स. ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, जब प्रसार भारती के साथ उनके ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में इंक्लूड हुई विथ दूरदर्शन, तब ऑल इंडिया रेडियो ने क्या किया, जो कोलैबोरेशन है, जो इनका जो काम है वो शुरू कर दिया. ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ काम करने लगे और प्रसार भारती ने एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस ले लिए 23rd नवंबर 1997 में. ठीक है, उसके बाद से लेके आज तक प्रेजेंटली ऑल इंडिया रेडियो हैज़ 200 रेडियो स्टेशन. कितने रेडियो स्टेशन है उनके पास, 200. ठीक है, ये डेटा चेंज भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. ज़्यादा क्यों, क्योंकि शायद नए रीजन में, नए लोकेलिटीज़ में उन्होंने चालू किया हो सकता है, या फिर ड्यू टू पैंडमिक उनके जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने काम करना छोड़ दिया होगा, या फिर ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीज़न और टेक्निकल रीज़न उनके रेडियो स्टेशन जो है वो बंद भी हो सकते हैं. तो 200 इज़ नॉट स्टैटिक, अप्स एंड डाउन्स आर देयर. तो अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लिए 200 रेडियो स्टेशन है, इंक्लूडिंग 183 फुल फ्लेज स्टेशन. उसमें से 183 जो है वो फुल फ्लेज रेडियो स्टेशन है, जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड लाइव रिले भी कर सकते हो. एंड 9 रिले सेंटर्स एंड 3 एक्सक्लूसिव विविध भारती कमर्शियल सेंटर्स. 9 रिले सेंटर है ऐसे सेंटर्स जहाँ से ऑल इंडिया रेडियो टेलीकास्ट करती है. अगर टीवी चैनल है तो वो टेलीकास्ट होगी, अगर रेडियो है तो वो ब्रॉडकास्ट करती है इन 9 रिले सेंटर से. और उनके पास 3 एक्सक्लूसिव विविध भारती कमर्शियल सेंटर है जहाँ पे वो कमर्शियल वर्क संभालते हैं. इन ऑल इंडिया रेडियो हैज़ 310 ट्रांसमीटर्स. 310 ट्रांसमीटर्स है जो प्रोवाइड करते हैं रेडियो कवरेज को पॉपुलेशन ऑफ 97.3% स्प्रेड ओवर 90% एरिया ऑफ द कंट्री. पूरे कंट्री के 90% को कवर करते हैं और वो 90% में भी 97.3% स्प्रेड है. एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इज वाइटल लिंक बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ब्रॉडकास्टिंग इन 25 लैंग्वेजेस, ऑफ दी 16 आर फॉरेन एंड 9 आर इंडियन लैंग्वेजेस. जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है 25 लैंग्वेजेस में ऑल इंडिया रेडियो में, उनमें से 16 जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस है और 9 जो है इंडियन लैंग्वेजेस है. द नेशनल चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो केम ऑन एयर ऑन 18 May 1998. ये जो नेशनल चैनल है ऑल इंडिया रेडियो का, वो कब आया ऑन एयर में, 18 May 1998 को. दिस चैनल वर्क्स एज अ नाइट सर्विस फ्रॉम 6:50 PM टू 6:10 AM एवरी डे, कवरिंग 64% एरिया एंड ऑलमोस्ट 76 परसेंटेज पॉपुलेशन. तो ये जो नेशनल चैनल जो है वो रात को काम करती है नाइट शिफ्ट में, और वो रात को यानी शाम को 6:50 से लेके सुबह 6:10 तक वो काम करते हैं. 64% का एरिया और 76% का पॉपुलेशन कवर करते हैं. रीच ऑफ दूरदर्शन टेलीविजन की बात करते हैं. कंपेयर्ड टू रेडियो,
दूरदर्शन्स नेटवर्क एक्सपांशन इज इम्प्रेसिव इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. इन मार्च 1999 दूरदर्शन वन हैड 1000 ट्रांसमीटर एंड DD2 had 57 covering about 87.9% of population and about 74.8% of area. तो DD1 जो है वो एक ट्रांसमीटर था जिसने 1000 ट्रांसमीटर्स के साथ काम किया. DD2 जो है तो मेट्रो चैनल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में DD2 दिखाई देता था, जिन्होंने 57% के एरिया कवर किया और 87.9% का पॉपुलेशन कवर किया, ठीक है, और 74.8 ओवरऑल ऑल ओवर कंट्री का उन्होंने परसेंटेज एरिया कवर किया. एज ऑन मार्च 2006, बहुत जूना डेटा है, इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना याद रखिए कि 2006 में ट्रांसमीटर्स पर DD1 हाई लो एंड वेरी लो पावर ट्रांसमीटर्स कितने थे, 1050 ट्रांसमीटर्स अवेलेबल थे. उसके बाद ट्रांसमीटर फॉर DD2, चाहे वो हाई लेवल हो, लो लेवल हो या वेरी लो लेवल पावर ट्रांसमीटर्स हो, टोटल जो है 67 हुआ. अदर ट्रांसमीटर जो है उनका दो, टू एट द पार्लियामेंट एंड वन एट श्रीनगर. ये जो दूसरे ट्रांसमीटर्स थे, एक दो पार्लियामेंट में थे, एक कश्मीर के श्रीनगर में थे, उनका टोटल काउंट होता है 3. नाउ लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन. आप सभी को पता है कि रेडियो और टेलीविजन का क्या फ्यूचर है, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्रीली उन्होंने क्या कहा है देखते. इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक आर्स, आर्स यानी इंडिया, अ स्पेशल फंक्शन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग शुड बी द कवरेज ऑफ डेवलपमेंट. इट्स सिग्निफिकेंस, अचीवमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी हाईलाइटेड एज ऑल्सो सिग्निफिकेंट वर्क बींग डन बाई वॉलेंटरी एजेंसीज. द स्टाइल एंड द मेथड ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग शुड एंड री इन्फोर्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच नेशनल पॉलिसीज आर बेस्ड. फ्यूचर जो है रेडियो एंड टेलीविजन का, उन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बहुत सारे अचीवमेंट्स को हमको अचीव करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है. लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. क्यों ज़रूरी है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए. और ये दो डेवलपमेंट करेंगे, पीपल्स डेवलपमेंट एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है. स्टाइल और मेथड ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग कैसा होना चाहिए? शुड बी री इन्फोर्स होना चाहिए. और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को वो कैलकुलेट करके काम करे जो नेशनल पॉलिसीज के साथ और उनके ऊपर बेस्ड है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ द करंट अफेयर प्रोग्राम शुड बी टू एनलाइटन द पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ये जो प्राइमरी पर्पज है करंट अफेयर्स का, वो किन पे एनलाइट होना चाहिए? वेरियस एस्पेक्ट्स पे. और वेरियस एस्पेक्ट्स क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ये सारे एस्पेक्ट पे वो काम करने चाहिए. FM एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेडियो. इन रिसेंट ईयर्स टू वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया. With the advent of television, it appeared that the importance of radio had gradually diminished. This actually happened for some years and radio ownership and radio listenership decreased considerably. ठीक है, तो दो चीज़ें क्या हुआ, taken up places in the field of radio and television broadcasting. Development जो है वो बहुत important place ले लिया है radio और television के broadcasting में. और विद द एडवेंट ऑफ टेलीविजन इट अपीयर दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडियो हैड ग्रेजुअली डिमिनिश. देखिए, अगर आपको कोई म्यूजिक टेलीविजन में सुनाई दे रहा है, टेलीविजन में देखने मिल रहा है उनकी कोरियोग्राफी, उनका डांस, तो क्या आप वो रेडियो में सुनेंगे? क्योंकि आपके पास ट्रांसमीटर है, आपके पास टेलीविजन सेट भी है, तो आप दोनों में सुनेंगे, दोनों को यूटिलाइज करेंगे? नहीं, दोनों में से कोई एक ही ज़्यादा एक्टिव होगा. और यही रीज़न था जिस वजह से लोगों ने क्या किया, टेलीविज़न को पसंद किया, क्योंकि वो देखने मिलता था, उनको वो फील और महसूस करने मिलता था, जबकि रेडियो में आपको सिर्फ सुनने को मिल रहा है, देर इज़ नो मूविंग इमेजेस. इस वजह से ग्रेजुअली क्या हुआ, रेडियो का इम्पोर्टेंस कम हुआ. बट इट सीम्स दैट रेडियो इज़ रीअपियरिंग वंस अगेन इन द फॉर्म ऑफ FM ट्रांसमिशन. The FM transmission stations are working as local stations, catering to the local needs of the listeners. The partial privatization of FM broadcasting has also made the radio an important medium of
मास कम्युनिकेशन, रेडियो को क्या बोला गया है, इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो ने फिर से अपना रीअपीयरेंस करने की कोशिश की, और वो कैसे की, एफएम ट्रांसमिशंस के थ्रू। एफएम ट्रांसमिशन जो है उसके द्वारा रेडियो को फिर से लोगों के दिलों में, लोगों के क्या बोलते हैं, लिस्ट में आने के लिए उन्होंने एफएम ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। और पार्शियल प्राइवेटाइजेशन किया एफएम ब्रॉडकास्टिंग को, जो इम्पॉर्टेंट मीडियम बना मास कम्युनिकेशन के लिए। द प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट ऑन एफएम आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर विद अर्बन यूथ एज द प्रोग्राम कैटर्स स्पेसिफिकली टू देम। ये जो एफएम है बहुत ही पॉपुलर हुआ क्योंकि अर्बन यूथ में अर्बन प्रोग्राम्स को हम प्रोवाइड करते थे। मोर ओवर एफएम ब्रॉडकास्ट आर ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स। रेडियो एफएम जो है वो कार्स और बहुत सारे मूविंग व्हीकल्स जो है वहाँ पे फेमस हुआ, और वहाँ पे उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास सीडी है, पेन ड्राइव है। अगर आप मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करके यूज़ करते हो तो मोबाइल की बैटरी चली जाती है, ठीक है। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन टू हैव एफएम रेडियो, ठीक है। तो हम क्या करते थे, जो भी ड्राइवर्स है जिन्होंने भी टू व्हीलर में तो नहीं होता है, बट फोर व्हीलर या फिर बड़े बड़े ट्रक टेम्पोस में जो भी व्हीकल्स में एफएम रेडियो सिस्टम था, वो सिस्टम को इंस्टॉल करा लिया, इनबिल्ड करा लिया, और उन्होंने रेडियो को फिर से अपना एक लाइफलाइन बना लिया, और उस वजह से रेडियो अगेन बैक ऑन ट्रैक कंपेयर टू टेलीविजन आने लगा। दे प्रोवाइड necessary information regarding the roadblocks, traffic and weather etc. to the motorist. FM broadcasting has gained a lot of popularity in last 5 years. अब ये जो रेडियो क्यों सुनते थे, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए, सेकंड अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक कंपनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यू आर अलोन ड्राइविंग टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है। सेकेंडली, आप जो रास्ते से जा रहे हो, आपका जो लोकल रेडियो चैनल है, आपका जो कम्युनिटी रेडियो चैनल जो भी कनेक्ट करते हो आप, वो आपको ट्रैफिक डिटेल्स बताते हैं, वेदर कंडीशंस बताते हैं, और आपको बहुत सारे लोकल न्यूज़ देते हैं, जिनके वजह से ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया, पॉपुलैरिटी गेन की कुछ सालों पहले से। प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स, ये जो चैनल्स हैं अब प्राइवेटाइजेशन कैसे होते गए। द सेकेंड बट परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड नॉट ओनली द मीडिया सिस्टम इन इंडिया बट द एंटायर सोसाइटी हैज़ अंडरगॉन अ ड्रामेटिक चेंज इज द अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चैनल्स ऑन टेलीविजन, ईदर डायरेक्ट थ्रू सैटेलाइट और थ्रू केबल टीवी। तो सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशन हो गया और बहुत बड़े लेवल पे वो काम करने लगा इंडिया में और इंडियन टेलीविजन चैनल में, जो था वो अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चैनल्स ऑन टेलीविजन। मतलब पहले सिर्फ दूरदर्शन आता था, DD1, फिर उसके बाद DD2 आने लगा, फिर कमर्शियल चैनल आने लगे, CBO, ठीक है, स्टार प्रभा वगैरह वगैरह बहुत सारे। अभी तो लेटेस्ट चैनल्स के नाम भी है जो पुराने कुछ अलग होते थे उनके, ठीक है, जी नेटवर्क है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आने लगे, और कमर्शलाइज होने के बाद मल्टीपल चैनल मिलने लगे, किसके थ्रू सैटेलाइट और केबल टीवी। दूरदर्शन इट्सेल्फ इज अ मल्टी चैनल सिस्टम हैविंग सेपरेट अ स्पोर्ट्स चैनल एंड सेपरेट एजुकेशनल चैनल विद्या वाहिनी ऑन दी एनवल, ठीक है। दूरदर्शन एक खुद ही में मल्टी चैनल सिस्टम था, जो स्पोर्ट्स के लिए अलग चैनल था और एजुकेशनल सिस्टम्स के लिए विद्या वाहिनी के थ्रू अलग चैनल बनाया था। बट द सी चेंज हैज अकर्ड बिकॉज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्काई इन्वेशन, ठीक है, स्काई इन्वेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, देखते क्या है। दिस टर्म रेफर्स टू द इन्वेशन ऑफ द हाउस होल्ड बाई प्राइवेट चैनल्स बोथ इंडियन एंड फॉरेन। ये जो टर्म है रेफर करता है इन्वेशन, बहुत सारे लोगों ने एंट्री की, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में, और हाउस होल्ड में उनका एक प्राइवेट चैनल बना जो इंडियन और एज वेल एज फॉरेन चैनल भी उन्होंने टेलीकास्ट करना शुरू किया। द स्पीड विद विच द प्राइवेट चैनल्स हैव एक्सपांडेड इन इंडिया इज एन एग्जांपल इन इटसेल्फ। जिस तरीके से ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट चैनल्स ने टेलीविजन्स में शोज बनाए, सीरियल्स बनाए, और उनका जो
मार्केट है, उनके जो व्यूवर्स है, उनमें जो एक्सपांशन हुआ वो एक खुद ही में एग्जाम्पल है। द इम्पोर्टेंस और द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट दिस एक्सपांशन हैज अकर्ड इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट द गवर्नमेंट। ये जो एक्सपांशन हुआ वो गवर्नमेंट के बगैर हुआ और गवर्नमेंट की कोई भी मदद से नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सिर्फ उनको लाइसेंस दिया, उनको परमिशन दिया और उन्होंने खुद ही में अपना बिजनेस डेवलप किया। द इंडियन गवर्नमेंट नेवर वॉन्टेड टू प्रोवाइड अपलिंकिंग फैसिलिटीज परहैप्स बीइंग अफ्रेड ऑफ द कल्चरल इन्वेजन, बट चैनल्स इंक्लूडिंग इंडियन चैनल्स started up linking from foreign soils like Kathmandu and Hong Kong, and no technology available today can afford to block the downlinking. तो इंडिया नहीं चाहती थी कि अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग हो दूसरे से, बट हम लोग ने क्या किया, इंडियन चैनल्स को इंक्लूड किया और स्टार्ट किया लिंकिंग फ्रॉम फॉरेन सॉइल्स लाइक काठमांडू और हांगकॉन्ग से। द स्काई इन्वेजन कपल्ड विथ रैपिड एक्सपांशन ऑफ केबल network has the number of televisions owning household has also increased tremendously, and it is estimated about that about 70% of the urban household and 50% of the rural household today own at least one television itself. ye jo sky invasion hua uske wajah se rapid development hua, multiple channels aane lage, big global village banne laga, number of televisions logon ne apne gharon mein lagana chalu kiya. estimated tha ki 70% jo urban household hai उन्होंने 50% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड है उन्होंने क्या किया, एटलीस्ट एक टेलीविजन अपने घर में रखा, एक सेट तो रखा, ठीक है। दिस हैज़ टू बी नोटेड एंड अप्रिशिएटेड एंड ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन्ड एज दिस हैज़ हैपेंड इन रिकॉर्ड टाइम अनलाइक द वेस्टर्न कंट्रीज वेर इट टुक अबाउट 20 ईयर्स। हमारे यहाँ पे बहुत छोटे स्पैन में हुआ, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो 20 ईयर्स लगे उनको एक्सपांड करने में। द इंडियन सोसाइटी इन फैक्ट लीप फ्रॉग्ड एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ टेलीविजन यूसेज। हमने बहुत बड़ी छलांग मारी, और जैसे फ्रॉग एक बड़ा लीप लेता है, बड़ी छलांग लेता है, वैसे ही हमने स्काई इन्वेशन के थ्रू बहुत बड़ी छलांग ली। ये था आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो इन इंडिया। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इंक्वायरी हो, कोई भी कंसेप्ट के बारे में बात करना हो, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में से पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली रिकॉर्ड्स कर रहे हैं लेक्चर्स को और आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।